नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको ईपीएफओ के एक नए रूल के बारे में बताऊंगा। इसे एक नया विड्रॉल प्रोसेस कह सकते हैं। दोस्तों, इसको जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके पीएफ अकाउंट में सारा चीज सही होते हुए भी जब क्लेम रिजेक्ट हो जाएगी तब आप सोचेंगे अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि एक दोस्त है मेरे, तो इनका सारा चीज क्लियर इनकर था, सब चीज ओके था। इनको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने कंप्लीट हो चुके थे, डेट ऑफ एग्जिट इनकी अपडेट हो चुकी थी, इनकी आधार पैन बैंक अकाउंट सारा केवाईसी ओके था। इन्होंने क्लेम भी जो है सही तरीके से सही प्रोसेस से क्लेम किया, सबमिट किया, लेकिन दोस्तों इनका फॉर्म 10C रिजेक्ट हो गया और यहाँ पर इनके क्लेम स्टेटस में रिजेक्शन स्टेटस देखने को मिल रहा है। यूर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू सबमिट क्लेम फॉर्म 19 and 10C बोथ। यहाँ पर दूसरा रिजेक्शन है, सर्टिफिकेट ABCDEF नॉट इंक्लोज्ड। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ABCDEF नॉट इंक्लोज्ड, ये तो जो है ड्रॉप डाउन मेनू में से ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पहला बता रहा है, योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू सबमिट क्लेम फॉर्म 19 and 10C बोथ, तो यहाँ पर इनकी रीजन में समझ में आ रही है दोस्तों कि इनसे मैंने बात भी की थी। तो इन्होंने क्या किया है कि फॉर्म 10C ही केवल अप्लाई किया और ये सोचे कि फॉर्म 10C का पहले मुझे पैसा मिल जाए, उसके बाद फॉर्म 19 में क्लेम करूंगा। तो दोस्तों, इस वजह से अब ये जो है हो सकता है कि ईपीएफओ का एक नया प्रोसेस आ गया हो, नया रूल आ गया हो कि आप अगर फुल एंड फाइनल अप्लाई करने जाते हैं तो आपको फॉर्म 19 पीएफ विड्रॉल के लिए और फॉर्म 10C पेंशन अमाउंट विड्रॉल के लिए दोनों ही क्लेम फॉर्म सबमिट कर देना है, अदरवाइज आपकी पीएफ क्लेम इस तरीके से रिजेक्ट कर दी जा सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, और एक तरह का भी रिजेक्शन स्टेटस सेम इसी केस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यूर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सबमिट क्लेम विद फॉर्म 19। तो दोस्तों, यहाँ पर ये भी है कि इन्होंने 10C जैसे कि सबमिट केवल किया था, तो ईपीएफओ कह रहा है कि फॉर्म 19 के साथ ही जो है आप सबमिट कीजिए दोनों ही क्लेम फॉर्म। तो दोस्तों, आप जब भी नौकरी छोड़ देते हैं उसके 60 दिन बाद आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाती है, तो आप फॉर्म 19 सबमिट करके अपने पीएफ अमाउंट का क्लेम करेंगे, उसके बाद फॉर्म 10C सबमिट करके अपने पेंशन अमाउंट के लिए क्लेम करेंगे। तो ये दोनों ही फॉर्म आपको एक के बाद एक सबमिट करना है। कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि क्या हम ये दोनों क्लेम फॉर्म एक साथ सबमिट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप जैसे ही यूएन मेंबर पोर्टल पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं, क्लेम फॉर्म वहां पर सिलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि फॉर्म 19 सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर लिए, तो उसके बाद आधार ओटीपी एंटर करके सबमिट कर दिए। सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपके यहाँ पर फॉर्म 19 सबमिट हो गई, आप फिर से जाइए ऑनलाइन सर्विसेज में और यहाँ पर फिर जो है क्लेम फॉर्म सिलेक्ट कीजिए फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉल के लिए। इस फॉर्म को भी सेम तरीके से फिलअप कर लीजिए और आधार ओटीपी एंटर कर लेने के बाद सबमिट कर लीजिए। इस तरीके से आपकी फॉर्म 19 और 10C सबमिट हो जाएगी। तो आप एक के बाद एक तुरंत इन दोनों ही फॉर्म को सबमिट कर दीजिए फुल एंड फाइनल के केस में, ताकि आप इस तरीके के पीएफ क्लेम रिजेक्शन से बच सकें। आशा रखता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिल सकें। तो हम मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।